उत्तर भारतीय विकास मंच जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे उनकी परिस्थिति को ध्यान में रख के एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि भाई जो रोज कमा रहे हैं और रोज खा रहे हैं और अचानक लॉकडाउन होने से उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मिलकर उत्तर भारतीय विकास मंच ने मिलजुल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सरसपुर में हमने रामनगर में वहाँ पर हमने करीब 500 आदमियों का रसोड़ा शुरू किया। उसके बाद यहाँ हमारे ठक्कर नगर में यहाँ हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हैं और यहाँ के जो वार्ड प्रमुख थे राजू भाई, उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ से लाने में ठंडा हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हमने कहा ठीक है आज से हमने यहाँ इस ठक्कर बापा नगर में शुरुआत की है। यहाँ भी करीब 200-250 लोग यहाँ पर इस भोजन का आनंद लेंगे। हमारा बटवा में भी चल रहा है, हमारा जो है इसके बाद जो है नारोल में भी चल रहा है, सब जगह हम लोग अपने ढंग से अपनी मर्यादा में रह के जितना बन सकता है काम कर रहे हैं। सरकार से भी जो मदद मिलती है उसके लिए भी प्रयासरत हैं, कॉरपोरेशन से भी लायजन करते हैं, सरकार में भी जो भी है उसके लायजन करते हैं, दूर दराज जो छिटके बुटके लोग हैं उनको भी अपने ढंग से हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं जितना बन सकता है। इस महामारी के इस प्रकोप में लोग खाने बिना न मरे ये देखने की हमारी फर्ज जिम्मेवारी है। लोगों को दवा दारू हमारे साथ हमारे ट्रस्टी मंच के डॉक्टर मनीष दुबे जी हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा और ये सब दे रहे हैं, साथ में फ्री ऑफ चार्ज आज तक 2,500 लोगों को हम लोगों ने फ्री दवा भी बांट दी। और इस तरह से जो भी कार्य हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, उत्तर भारतीय विकास मंच के सभी कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं कि जो इस महामारी के इस प्रकोप में घरों से निकल कर अपना पब्लिक के बीच में जाकर सेवा कर रहे हैं। फिर भी मैं आज के दिन ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई इस समय महामारी के इस प्रकोप में बचना है तो अपने घर में रहो, घर के अंदर रहो, आपको कोई जात की तकलीफ हो तो मंच का संपर्क करें, हम लोग आपको यथाचित मदद करने की पूरी विश्वास दिलाते हैं। तो भाइयों और बहनों को मैं इस कोरोना की महामारी में एक ही संदेश दूंगा कि घर में रहें, डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो भी सरकार के नीति नियम है उसका पूरा पालन करें, भीड़ न इकट्ठी करें। इस तरह से रहेंगे तो कोरोना हमारे बीच में से भाग जाएगा। 21 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड है हम लोग सफलतापूर्वक पास करेंगे, 14 के बाद लॉकडाउन उठ जाने की पूरी शक्यता है और कोरोना भी यहाँ से भाग जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि गुजरात में कल एक भी केस नहीं बना और जो 2-4 केस छिटपुट बन रहे हैं तो मदरसे की वजह से बन रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं आपके NS न्यूज़ को भी खूब खूब अभिनंदन देता हूँ कि ऐसे महामारी के प्रकोप में आप लोग इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को वाचा दे रहे हैं। तो आदरणीय शर्मा जी को भी मैं खूब खूब कोटि कोटि अभिनंदन देता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, NS न्यूज़ का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।